और अब कुछ और अहम खबरों की बात कर लेंगे। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा की टिकटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। तो कल एक और महत्वपूर्ण बैठक। इससे पहले महत्वपूर्ण बैठक का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, उसे आप अलसुबह भी कह सकते हैं। और उसके बाद 195 नाम सामने आए थे। तो लगातार बीजेपी में मंथन जारी है कि लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की खबर है, यानी कि बीजेपी एकदम फास्ट ट्रैक पर आ चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट पिछली बार 195? जी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट के लिए कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी। तो निश्चित तौर पर जो बचे हुए सीट है उसको लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है वो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो है बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों की जो को लेकर के जो है मंथन जो है वो कर लेना चाहती है। बीजेपी ने जैसा कि पिछली बार अगर हम बात करें मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने पहले किया था जब विधानसभा चुनाव हुए थे, चुनाव के पहले ही जो है कई सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी और इस बार भी इसी रणनीति के साथ जो है बीजेपी लड़ रही थी है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मध्य प्रदेश के लेकर के बात करें छत्तीसगढ़ को लेकर के, हालांकि सभी सीटों की घोषणा जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में के जो बचे हुए सीट है उसको लेकर के भी मंथन जो है वो किया जाना है। और कुछ ही हो सकता है जी, क्या कुछ इस तरह की जानकारी या कोई सुगबुगाहट बीजेपी के खेमे से कि जो जिस तरह पिछली हमने लिस्ट में देखा कि कुछ बड़े नाम जो है उन्हें टिकट नहीं दिए गए लेकिन कुछ नए नामों को जगह दी गई, कुछ इस तरह की सुगबुगाहट की किसी कोई बड़ा नाम जो है उसका टिकट कटने वाला हो या किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है? जी मैम, अगर हम मध्य प्रदेश के की बात करें तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाता है वो छिंदवाड़ा सीट हो जाता है। और बीजेपी अगर हम पिछली चुनाव की बात करें 2014 की बात करें 2019 की बात करें तो छिंदवाड़ा में जो है बीजेपी जीत नहीं पाई थी। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि छिंदवाड़ा में जो है कोई बड़ा नाम जो है। ये बात सही है, लगातार छिंदवाड़ा को लेकर जितनी रणनीतियां हैं वो बीजेपी को बार बार बदलनी पड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर महासमुंद में किसानों के द्वारा किया जा रहा चक्का जाम जारी है। अघोषित बिजली और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर यह चक्का जाम किया जा रहा है। तो इसके चलते अब नेशनल हाईवे 353 पर जाम लगा हुआ है। किसान संघर्ष समिति की अगुवाई में यह प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं प्रदर्शन को बढ़ता देख प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिशें जारी है।